काटो, बेरोजगारी को काटो, काटो काटो महंगाई की मार को काटो, काटो काटो बीजेपी आरएसएस की मानसिकता को काटो। ये तो हम काटने का तो नारा दे रहे हैं ना, अब आपने कैसे समझ लिया? और गौ माता की किसी भी शॉप के ऊपर अगर तस्वीर है तो फौरन तुरंत उसके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि गाय तो कटती नहीं हिंदुस्तान में कहीं पर भी। मैं समझता हूँ कहाँ का वाक्य है ये मुझे नहीं मालूम, अगर आप हैदराबाद की बात कर रहे हैं तो कर्नाटक में तो हैदराबाद गाय नहीं काट सकते ना, तो कैसे फोटो लगाए रखी है जी? भाई फोटो लगाना ही गलत हो गया ना, सबसे पहले तो यहाँ कार्रवाई की। देखिए अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप ये बताना चाहें कि मुसलमान ओवैसी जी की बात को मान के कम्युनलिज्म के नाम पर वोट डालेंगे, तो ऐसा नहीं है। कोई मुसलमान आज की तारीख में कम्युनलिज्म के नाम पर वोट डालना पसंद नहीं करता है, लेकिन विनोद बंसल जी को इस बात की जवाब देना चाहिए, जो भी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, विनोद बंसल जी, किशोर तिवारी जी की बात का जवाब दीजिए, विनोद बंसल जी, जो रियल कोष काटने वाला है अल्लाना ग्रुप। प्रदीप जी देखिए इनका दोहरा चौरा, इनका दोहरा चेहरा एक्सपोज हो गया। ये जो है ना अपने आप को सेकुलर भी बताते हैं, गौ माता का, ये देखिए इनका दोहरा चेहरा जो है वो एकदम एक्सपोज हो गया, इन्हीं के अपने स्टेटमेंट ने एक्सपोज कर दिया इनको। आप देखिए कि जिस तरह से इन्होंने उसको इसको कवर फायर देने का काम किया, वो जिहादी उम्मीदवार को कवर फायर देने का काम इन्होंने किया। एक तरफ तो कह रहे हैं कि कोई नहीं काटनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी नहीं कहते कि इसको काटो उसको काटो, ये नहीं कहेंगे कभी भी मत काटो। अरे शर्म आनी चाहिए, आप कम से कम आपके नाम के आगे, आपके नाम के आगे कम से कम जो है ना जी स्कॉलर लगा हुआ है, उस स्कॉलर शब्द का तो प्रयोग करो। अरे कम से कम स्कॉलर को छोड़ करके या तो अपने जिहादी हार्डकोर टैब और लिखवा दो, आप जिहादी लिखवाओ अपने नाम के आगे। ये जो ना स्कॉलर उसकॉलर मत लिखवाइए। मैं कहता हूँ कि आपको संविधान में थोड़ी सी तो मर्यादा रखनी चाहिए ना, एक शब्द बोलने की हिम्मत तो करो। वैसे जो है ना आपका ही भला नहीं करने वाला, ये आपको पता है अच्छी तरह से। लेकिन मैं कहता हूँ देखिए भारत के अंदर गौ माता की हत्या करना, उसको प्रमोट करना, उसको उस अपराध की सजा मिलेगी। अब ये मान के चलना कि अंत समय निश्चित है, ऐसे सभी गौ द्रोहियों को, ऐसे गौ हत्यारों को, गौ हत्या को प्रमोट करने वालों का अंत समय निश्चित है। ये पॉलिटिक्स अब समाप्त होने वाली है। अरे मौलाना ये सारी पॉलिटिक्स अब समाप्त होने वाली है, आप भूल जाइए। अरे सुनने की जरूरत नहीं है, आप तो झूठ ही बोल रहे हैं। अरे आप जिहादियों के साथ खड़े हैं, पंडित आपने कभी गौ माता के बारे में दो शब्द नहीं बोले, और आप अभी कह रहे हैं कहते कुछ और कर रहे हैं। पंडित विनोद बंसल, अरे बीफ पंडित विनोद बंसल बीजेपी को पैसा दिया, ये देखो जिहादियों का सरकार कैसा झूठ बोलता है, पंडित विनोद ये देखो बीफ एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, ये झूठ फैलाना है और ये जबरदस्ती आरोप करना, ये इनके मैसेज आया पंडित विनोद, ये इनके बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, ये कभी भारत को जाग नहीं रहेंगे। आज मुझे मैसेज आया, थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। देखो आज एक मैसेज आया, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। मुझे एक मैसेज आया, अरे देखिए सुनिए, ओ महाराज मेरी बात सुनिए, मुझे मैसेज आया, लोग को लगता है झूठे तो मैं दिखाना भी चाहता हूँ। ये मैसेज आया मुझे हुसैन से, ठीक है, मुझे अभी डिबेट देखते हुसैन से मैसेज आया, और हुसैन मुझे लिखता है कि भाई जो आप कह रहे हो तो बिल्कुल सही बात कह रहे हो, और इसी बात पे मैं आना चाहता हूँ प्रत्युष जी और दानिश जी आप थोड़ा ना पढ़ लिख के कम आते हैं, और अगर आप पढ़ लिख के थोड़ा कम आते हैं तो मुझे बता दिया करिए, मैं अपनी रिसर्च टीम को बोलूंगा आपको थोड़ी पढ़ाई लिखाई में मदद कर दे। इस देश में गौ मांस की बिक्री ना गौ मांस का सेवन जो है वो लीगल नहीं है, जाके पढ़िए दानिश जी। नहीं पढ़ रहे तो मुझे बताइए, मैं मदद करूंगा पढ़ने में। अब मैं एक पॉइंट पे फोकस करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरी टीम दानिश जी और प्रत्युष जी को लाए। प्रत्युष जी एक कॉन्सेप्ट होता है साइकोलॉजी के अंदर, और मैं चाहता हूं किशोर तिवारी जी भी आए, पहले किशोर जी आएंगे। किशोर जी मुस्कुरा रहे हैं, पर आज किशोर जी में हृदय परिवर्तन देख रहा हूं। हृदय परिवर्तन इसीलिए मैं देख रहा हूं प्रत्युष जी, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी के अंदर होता है, जिस कॉन्सेप्ट को मैं कहता हूं मानसिकता के डीएनए को टेस्ट करने का। इसमें क्या होता है सिंपल भाषा में, सुनिए किशोर जी, सुनिए मेरी बात। कोई व्यक्ति का पास्ट देखा जाता है, अब अगर कोई व्यक्ति पास्ट में यह कहता है कि एक AIMIM लीडर नसीरुद्दीन ओवैसी जी का बयान मीडिया में रिपोर्ट है 5 जनवरी 2015 का,
कि हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, उसके बाद में अगर वो सितंबर 2023 के ये बयान है एग्जैक्टली 5 जनवरी 2015 का, जब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो भले वो बैरिस्टर हो, भले वो बहुत एजुकेटेड हो, भले वो बहुत इंटेलेक्चुअल हो, उन सब का मुझे इज्जत है, पर मैं मानसिकता को क्वेश्चन करता हूं कि क्या ये मानसिकता वही मानसिकता है जो जिन्ना वाली मानसिकता थी आजादी के पहले, कि पहले यू आर वेरी एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल पर आप एक कौम को साथ में लाने के लिए भी किसी भी हद तक जा सकते हो। क्या असदुद्दीन ओवैसी आज चुनाव हार रहे हैं इसीलिए इस तरीके के पैतरे उनको अपनाना पड़ रहा है माधवी लता के सामने? पहली बार मुझे लग रहा है असदुद्दीन ओवैसी चुनाव हारने के चक्कर में, जैसे एक समय में प्री इंडिपेंडेंस में जिन्ना ने क्या किया था, उनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिसक रही थी प्रत्युष जी, अगर आपको याद होगा तो उन्होंने एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की मांग करना शुरू कर दी थी। पहले वो हितैषी थे, पूरे कांग्रेस पार्टी के साथ थे, फिर वो इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी और जाके वो अपने मकसद में कामयाब हुए। क्या आज हार को बचाने के लिए किशोर तिवारी जी असदुद्दीन ओवैसी इस हद तक आ गए? बोलिए। देखो, देखिए मैं बताता हूँ, बैरिस्टर ओवैसी साहब ने जो कुछ किया उसकी मैं निंदा करता हूँ, लेकिन मैं प्रत्युत खंड को बार बार पूछता हूँ कि बीजेपी ने बीफ एक्सपोर्टर से जो चंदा लिया उससे ऐसा लगता है कि आप भी गैया के काटने वाले के साथ हो, ऐसा मुझे लगता है। आपने 2160 करोड़ रुपया चंदा उन कंपनियों से क्यों लिया जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, काटते हैं, मुझे इसका जवाब दो। ओवैसी को तो जनता जवाब देगी, और गैया हमारी माता है, शिवसेना गैया काटने वालों के खिलाफ है, बीजेपी का तो सुपड़ा साफ है, मैं बता रहा हूँ बीजेपी का सुपड़ा साफ है। ये आपकी धोखी देती है, आप ओवैसी आपकी बी टीम है, ए टीम चंदा लेती है हजारों करोड़ का, और ओवैसी बोलते हैं हमारे माँ को काटो, हमारे माँ को काटो, मैं दोनों का निषेध करता हूँ। जी क्या आपने ओवैसी जी को मैदान में उतारा है? ये ऐसा कह रहे हैं आपने ओवैसी जी को मैदान में उतारा है? वो कह रहे हैं आप नहीं, नहीं। मुझे तो इतना, अरे वो तो लड़ते आ रहे हैं, मुझे तो इतना दुख हो रहा है सुनते कि आज अगर बाला साहब ठाकरे सुनते होते इन लोगों का बात तो क्या उनके दिल पे बीतती है। नो आई मीन ये लोगों ने क्या हाल कर दिया, आप देखिए, आप ये देखिए कि बोलना, देखो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था, गुलभर का बोल लो पहले फिर मुझे बताना कब बोलना है मुझको। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप क्यों बीच में बोल रहे हो? आपकी बात तो सुन ली हम लोगों ने, आप मुझे जवाब देने दो उसका, आपकी बात तो सुन ली ना हम लोगों ने, तो अब आप क्यों बोल रहे हो बीच में? हो गया, आपने बोल लिया आपको जो बोलना था, बिना कोई आपको कोई जीरो ज्ञान है फिर भी आप बोल रहे हो, हमने तो सुना ना आपको उस पर, अब कुछ सीरियस बात कर ले हम लोग अगर आप बोलो तो। मैं ये बता रहा था कि ये बोलते हैं कि ओवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। अब आप देखिए, आप ओवैसी की सोच और राहुल गांधी की सोच तो बिल्कुल एक है। राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग के सारे पॉइंट डाल दिए लाके, इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है? लाखों हिंदुस्तानियों ने अपना जीवन के लड़ाई लड़ी थी भारत की इंडिपेंडेंस के लिए, और आज राहुल गांधी लाके उस सारे चीज को डाल रहे हैं। अरे ओवैसी तो उसी स्कूल ऑफ थॉट का है जहां लगा कि माधवी लता कमाल का इलेक्शन लड़ रही है, पब्लिक से उनका तुरंत वो हैदराबाद में जुड़ रहा है और पब्लिक को लग रहा है इन्हीं को वोट देना है, तो बस वापस चले तुष्टिकरण की राजनीति पे और शुरू हो गए हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। और बताइए, आज आप बीफ शॉप की बात नहीं, अभी आने वाले दिनों में ओवैसी साहब ऐसी बहुत बातें करेंगे, और ओवैसी नहीं करेंगे, ममता दीदी भी करेंगी, अखिलेश यादव भी करेंगे, प्रियंका गांधी भी करेंगी, राहुल गांधी। पहले वो